नमस्ते, आरबीदेव शर्मा। आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट डे में अपना पैक का वीडियो डाल दिया था, फर्स्ट डे का रूटीन डाल दिया आप लोगों के लिए। और अब सेकंड डे में आप लोगों को केवल एसेंशियल ऑयल प्रॉपर तरीके से अपने बालों में डालने हैं, ठीक है? तो वो किस तरीके से डालने हैं और किस तरीके से आपको इसे इस्तेमाल में लेना है एसेंशियल ऑयलों को, ताकि आप कुछ और इस्तेमाल ना कर सकें, ना कोई राइस वाटर, ना कलुंजी वाटर, केवल कुछ भी नहीं, आपको केवल एसेंशियल ऑयल काम में लेना है और प्रॉपर तरीके से अपने बालों में लेना है सेकेंड डे में। तो वो कैसे करना है वो आगे आप लोग वीडियो में देख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से अपना सेकेंड डे स्टार्ट है, फिर आपको ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है आपको मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ से अपने दूसरे दिन का हेयर प्रोटीन स्टार्ट है, जिसे आपको केवल एसेंशियल ऑयलों में बनाना है, ठीक है? तो पहले आपको अपने बॉटल के हिसाब से पानी लेना है, पर उस पानी को आपको बॉईल कर लेना है, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है? ताकि उसमें जो वाइट वाइट रहता है ना वो निकल जाए, नहीं तो आपकी बॉटल में वाइट वाइट जमेगा और जो आपकी बॉटल है उसमें एसेंशियल ऑयलों की जगह वो वाइट वाइट ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए पहले पानी को थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लेना और उसे ठंडा होने के लिए रख देना। फिर आप इस पानी को अपने जो स्प्रे की बॉटल है, हेयर प्रोटीन की बॉटल, उसमें आप आधा भर लेना, फुल नहीं भरना, आधा ही भरना, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना, इसे केवल 8 से 10 दिन के लिए या 8 दिन के लिए ही बना के रखना है आपको, ठीक है? और फिर आपको इसमें एसेंशियल ऑयल डालना है। हमें कोई राइस वाटर नहीं लेना है, ना कलौंजी वाटर लेना है, ना तुलसी का, ना धनिया का, कोई नहीं लेना है। केवल हमें एसेंशियल ऑयल प्रॉपर तरीके से अपने अपने स्कैल्प में डालना है, ताकि हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है, जड़ से बाल जा रहे हैं या डैंड्रफ है, तो उसको हम धीरे 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 अपनी स्कैल्प से, जड़ से ख़त्म कर सके डैंड्रफ को, ताकि हमारे जो बालों की ग्रोथ रुक चुकी है वो हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बालों की ग्रोथ कब रुक जाती है, या तो दो मुंह के बाल हो जाते हैं तब, या आपके सिर में डैंड्रफ होता है तो आपके बाल जड़ से जाते हैं, ठीक है? तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो जड़ से बाल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपके जो बालों की जड़ कमज़ोर हो जाने से क्या होता है ना, ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है? डैंड्रफ की वजह से। एक डैंड्रफ होता है गीला वाला, एक डैंड्रफ होता है सूखा वाला। सूखा वाला डैंड्रफ हमें बाहर से दिखना स्टार्ट हो जाता है, पर जो गीला डैंड्रफ होता है वो हमें कभी बाहर दिखता नहीं है। वो जब हम बाल धोते हैं ना तो पानी की सहायता से फूलता है, और पानी की सहायता से फूलने से क्या होता है, वो हमें तब दिखाई देता है, ठीक है? और फिर बाद में हमारी जब स्कैल्प सूख जाती है ना तब दिखाई नहीं देता। तो ये डैंड्रफ सबसे बेकार डैंड्रफ होता है, जो गीला वाला डैंड्रफ होता है बहुत ही बेकार होता है। तो हमें उसको ख़त्म करना है और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये हेयर प्रोटीन लगाना ज़रूरी है इस रूटीन में। और इस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको वो पैक लगाना भी ज़रूरी है जो फर्स्ट डे का है, तो वहाँ से आप स्टार्ट करना, ठीक है? और आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हो, 3-4 एसेंशियल ऑयल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे रोजमेरी, लेवेंडर, लेमन वाला, और टी ट्री ले सकते हो आप, पर कोई भी 2 एसेंशियल ऑयल ज़रूर डालिए। और आपके पास में 3 नहीं है तो 2 तो डालिए, और 2 नहीं है तो 1 तो डालिए, पर कम से कम 1 एसेंशियल ऑयल की आपको 10-10 ड्रॉपें डालनी है, ठीक है? और 10 ड्रॉप एक की, तो आपका ये काम करेगा। हेयर प्रोटीन बहुत ही मस्त है। और अगर आप एक ही एसेंशियल ऑयल डाल रहे हो तो 15 ड्रॉप डालना उसमें, ठीक है? 15 से 20, और आपको अच्छे से फिर एसेंशियल ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल, ठीक है? पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पानी बॉईल करना है, ठीक है, अच्छे से। और ये आपका हेयर प्रोटीन तैयार है लगाने के लिए।
और इसे लगाना कैसे है वो आप लोग देख लीजिए। ओके, यहाँ पर मेरी बातें जितना आप ध्यान से सुनोगे और जितना अच्छे तरीके से देखोगे कि दीदी ने किस तरीके से अपने बालों में लगाया है, तो आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। और जैसे मैं रूटीन कर रही हूँ और उसी तरीके से आपको वन बाय वन डे का डाल रही हूँ, तो आपको वैसे ही करना। आप मेरे बाल देख सकते हो, अभी मैं ससुराल आई थी ना, तब मेरे बालों की बैंड बच चुकी थी, पूरे बेकार हो चुके थे। अब थोड़ा पता है बहुत ही पतले हो चुके थे, तो अब थोड़ा धीरे 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 मैं उन्हें उसी उसमें लाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और मेरी एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं बालों को कट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बोले हुए बाल हैं। मैं जब तक अपनी जो कुल देवी होती है वहाँ पर जात करने नहीं जाऊँगी, तब तक मैं बाल नहीं काट सकती, क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँगी तभी अपने बालों को कट करके आऊँगी। चाहे कितना भी काटूँ तभी कट करके आऊँगी, उससे पहले नहीं काट सकती। तो इसलिए ये भी दिक्कत है, तो मुझे तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बालों को कट कर लेते हैं ना, तो हेयर फॉल ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाता है। तो आपको पहले पैक लगाना है अपने बालों में, ठीक है। पैक लगाने से पहले आपको बाल धो लेने हैं, फिर धुले हुए बालों में आपको पैक लगाना है, ठीक है। और पैक की वीडियो आपको पीछे मिल जाएगी वन डे में। सेकंड डे में आपको और जितना हो उतना बालों को शाम के टाइम धोने के लिए कोशिश किया करो, 4-4:30 के समथिंग। फिर उसे नाइट में आप अपने बालों को धो के सुखा के जूड़ा बना के छोड़ दीजिए या सो जाइए। और फिर सुबह सेकंड डे में आप हेयर प्रोटीन 2 बार लगाइए कम से कम, सुबह या शाम को, ठीक है। नहीं लगा पाते हो तो आप सेकंड डे में केवल नाइट के टाइम आप पक्का लगाने की कोशिश कीजिए। और इस हेयर प्रोटीन को आप लेंथ तक भी लगा सकते हो, और स्कैल्प में तो लगाना है ही आपको, पूरी स्कैल्प में मतलब जड़ों तक लगाना है। और आपको लेंथ में भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप लोग लेंथ में लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है पूरे बालों में, ऊपर से लेकर नीचे तक लगाया है। और आपको एक एक जड़ों में लगाना है बालों की, मैं नीचे आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा मारना है छींटा, और अगर मारना चाहते हो तो, नहीं तो स्कैल्प में ही आपको पूरी तरीके से पूरे जड़ों में लगाना है, ताकि आपके जो एसेंशियल ऑयल हैं वो अच्छे से वर्क कर सके आपके बालों में, और आपकी जो हेयर ग्रोथ रुक चुकी है उसको स्टार्ट कर सके। देखिए, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों के बाल जो मेरे वजह से, या 2 महीने मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से नहीं डाली है, उसके वजह से आपका रूटीन छूट चुका है, तो वही रूटीन मैं आपको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी गारंटी है आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपके बाल हेयर ग्रोथ आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी। पर आप रूटीन जो फर्स्ट डे से स्टार्ट है वो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, और जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही कीजिए। और इसको आपको लगा के अपने बालों में, अगर आप चाहते हो तो 10 मिनट के बाद में या 15 मिनट के बाद में, जैसे आपने अपने बालों की जड़ों में इसे लगा लिया, ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छे से सुनिए। जैसे आपने अपने बालों की जड़ों में इसे लगा लिया, पूरे लेंथ तक लगा लिया, फिर आपको क्या करना है, इसका आपको जूड़ा बनाना है, ठीक है, जूड़ा बनाना है। ओके, जूड़ा बना के आपको ना 1 घंटे रखना है ना 2 घंटे रखना है, आपको सिर्फ 1/2 घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए रखना है, ठीक है, इतना आपको रखना है। और इतना रखने के बाद में आप लोग चाहें तो आप पंखे की हवा में इसे हल्का हल्का सुखा सकते हैं अपने बालों को खोल के, और हल्का हल्का सूखने, पूरा प्रॉपर सूखने देना चाहते तो प्रॉपर सूखने दीजिए, फिर आप खोल के अपने बालों को हल्का हल्का सुखा सकते हो। फिर आपको कॉम करना है, और इसकी वीडियो आपको आगे मिलेगी कॉम की, ठीक है, मेरे बालों में मैंने सूखने के बाद में जो कॉम किया है उसकी वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, ठीक है। पर
10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और फिर आपको कॉम करनी है, ठीक है। इसे आपको टोनर के तरीके से नहीं लगाना है बिल्कुल। और आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर, और जहाँ तक हो आगे बढ़ाने